ये बुलेरो हम ट्राई करके इसको नया लुक देंगे, इसमें को विंटेज कार बनाएंगे, साथ ही इसके पीछे बग्गी लगाएंगे। तो अभी अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी को खोलने की, तो अभी लाइटिंग ओपन कर रहे हैं, बोनेट है ये हटा के उसके बाद में पूरी गाड़ी को ओपन करेंगे। गाड़ी के चेसी के ऊपर जो जंग वगैरह लगा था उसको रिमूव कर रहे हैं ऐसे कटिंग करके। भी आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का जंग लगा हुआ था, कई एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हटाए हैं। ये पेंटिंग की प्रोसेस करके पूरे चेसी को नया करेंगे ताकि जो जंग वगैरह आया हुआ था वो सारा हट जाए। पाइप वगैरह बोड़ने के लिए ये मशीन यूज में ली जाती है, कई इस गाड़ी के अंदर पाइप वगैरह भी हमें यूज़ में लेने पड़ते हैं। तो एकदम इजी स्टेप के थ्रू इस मशीन से तुरंत हो जाता है, वरना बहुत परेशान होना पड़ता है। बट ये मशीन काफ़ी यूजफुल है और ये पाइप्स वगैरह हमारे काम में वरना टाइम लगता है। और ये दूसरी तरफ अपनी गाड़ी है जिसका काम भी चल रहा है, आगे से फ्रंट को कटिंग वटिंग करके हमने ये लुक दिया है गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं एकदम शानदार लुक है। अपनी बग्गी रेडी हो गई है, अभी इस पे पेंट की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले हमने व्हाइट पेंट किया है, उसके बाद में अभी ये सिल्वर स्प्रे कर रहे हैं। अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये आप देख सकते हैं बुलेरो का जो लेटेस्ट हमने मॉडिफाई किया है वो लुक कैसा लग रहा है। एकदम शानदार लुक है ये गाड़ी का। रानिया का ये हमारी जो फर्म है उसका नाम है। फिर आप चारों तरफ से आप देख सकते हैं गाड़ी एकदम शानदार लग रही है दिखने के अंदर। कोई बता नहीं सकता कि ये बुलेरो कार है, और वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं।
फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं लाइटिंग है वो विंटेज कार की है पूरी तरीके से। फिर ये टोयोटा का इस पर लोगो लगाया हमने। अभी हम आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाने वाले हैं, तो चलिए अब गाड़ी के इंटीरियर के अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो चलो ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर का जो इंटीरियर है एकदम शानदार है। गाड़ी के अंदर हमने फैन लगाया, फिर पर्दे भी लगाए हैं ताकि धूप वगैरह या फिर बाहर से नहीं दिखे। ये आप देख सकते हैं शानदार फिनिशिंग के साथ में हमने इंटीरियर किया है।